नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द ब्रेकफास्ट शो में। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अगले एक घंटे में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले देश विदेश की 20 बड़ी खबरें T20 न्यूज देखते हैं। मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर हुई प्रशासनिक सर्जरी, 26 IAS और 21 IPS अफसरों का हुआ तबादला। जीएमपीसीजी की खबर का मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, हटाए गए विदिशा कलेक्टर, बीजा मंडल को मस्जिद बताने पर गिरी गाज। जीएमपीसीजी ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने फिर दिखाई कायराना हरकत, घात लगाकर सुरक्षा बलों पर की गोलीबारी। हमले में 2 जवान शहीद, 3 जख्मी, सर्च ऑपरेशन जारी। जवानों की शहादत पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का संदेश, घटना को बताया दुखद, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। किसानों को बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी, आज भारत कृषि अनुसंधान संस्थान का करेंगे उद्घाटन, ज्यादा उपज देने वाली फसलों की 109 किस्म भी जारी करेंगे। आज होगी नीट पीजी 2024 की परीक्षा, 2 शिफ्ट में कराया जाएगा एग्जाम पूरा, सुबह 9 बजे से पहली और दोपहर 3:30 बजे होगी दूसरी शिफ्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आते ही जयराम रमेश का केंद्र पर हमला, एक्स पर लिखा 12 अगस्त की बजाय 9 अगस्त को ही संसद बर्खास्त क्यों हुई, पता चल गया। कोलकाता में महिला की हत्या का विरोध तेज, IMA ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की दी चेतावनी, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग, 14 दिन की पुलिस हिरासत में है आरोपी संजय। विनेश फोगाट पर CAS का फैसला, 13 अगस्त तक टला, शुक्रवार को पूरी हुई थी सुनवाई, फाइनल से पहले अयोग्य साबित किए जाने के खिलाफ विनेश ने की थी अपील। मैहर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का सार, मुकुंदपुर के जर्जर हॉस्टल का अफसरों ने किया निरीक्षण, मेंटेनेंस के दिए निर्देश। आज मंडला दौरे पर सीएम मोहन यादव, हर घर तिरंगा अभियान की करेंगे शुरुआत, एक पेड़ मां के नाम अभियान में भी होंगे शामिल। आज राजनांदगांव जाएंगे सीएम साय, मिनी माता निर्वाण दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल, तिरंगा यात्रा में भी करेंगे शिरकत। उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर हिंडनबर्ग का एक और चौंकाने वाला खुलासा, रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच को लेकर बड़ा दावा, लिखा अडानी ग्रुप की एक कंपनी में उनकी हिस्सेदारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड JPC के साथ करेगा बैठक, वक्फ बिल को लेकर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी पर बीजेपी का कर्नाटक से वादा खिलाफी का आरोप, बीजेपी बोली 59 वादे किए लेकिन सिर्फ 2 पूरे किए, कांग्रेस और राहुल के DNA में धोखा है। दिल्ली सीएम केजरीवाल के बंगले में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, CPWD ने 2 इंजीनियर को किया सस्पेंड। सीएम योगी ने बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, विपक्ष को दी नसीहत, ये किसी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, राक्षसी प्रवृत्तियां ताकतवर होने पर हमें एकजुट होना होगा। शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की मांग तेज, आवामी लीग ने वापसी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। आपातकाल पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, न्यायपालिका ने इंदिरा सरकार के आगे घुटने नहीं टेके होते तो होंगे कोई आपातकाल नहीं होता। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने मचाई तबाही, 100 से ज्यादा घरों में घुसा पानी, 100 से ज्यादा घर बहे, 145 सड़कें बाधित, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट।